बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ सुनील। इस समय हम जम्मू पठानकोट हाईवे इफ्स नाके के पास खड़े हैं, जहां परिवहन विभाग द्वारा नाका लगाया गया है। ये दरअसल ये नाका उन लोगों के लिए लगाया गया है जिन्होंने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स नहीं लगाई गई है। तो हर आने जाने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट्स चेक की जा रही हैं कि उन्होंने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई है ना नहीं लगाई है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं पीछे का देश दिखाने के लिए परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। जी सर, जो अभी यहाँ नाका जो लगाया गया है ये अवेयरनेस ड्राइव है, काफ़ी साल पहले एक हिस्टोरिकल रेस था एम एस पीटा वर्सेज जिनका बिलियन की जरूरत दी थी। पूरे कंट्री में सभी स्टेट से पूरे कंट्रीज में जो है हर स्टेट जो है एफिक्स की जाएगी हर मोटर व्हीकल्स के आगे। तो हमारे इस मैं लाल कपूर जी की बात करूँगा एज रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सांबा, ये मैडम तबसुम जी हैं ARTO साहब और बाकी जो हमारा स्टाफ है मोटर व्हीकल्स के इंस्पेक्टर साहबान हैं। तो रेगुलरली हम जो हैं वो ड्राइव हमने चलाया है और देखा जाता है जैसे कि अभी काफ़ी लोग बकाया हैं जिन्होंने अपने हाई स्कूल नहीं लगवाए हैं। हम अदरवाइज भी बॉर्डर स्टेट हैं क्योंकि व्हीकल में अगर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा हो तो उसकी एक आइडेंटिटी रहती है और वो पहचाना जाता है, और जिसको नहीं लगा तो उसका ये लगता है कि इलीगल है। आप जिसको जानते हैं हर कोई जानता है कि जब भी कोई सबरसी एक्टिविटीज होती है एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती है तो ट्रांसपोर्ट एक मीडियम होता है जिसके जरिए चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और गलत व्हीकल को इस्तेमाल करके जो है वो एक्टिविटीज जो है वो बाय करना। लेकिन अब यही रहेगा हमारा जो ड्राइव है कि जितने भी लोग हैं जो कि लास्ट अब है हमारा फाइनल टच है, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद रिसेंटली मंत्री फाइनेंशियल कमिश्नर होम और कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने एक मीटिंग रिव्यू मीटिंग ली थी, उन्होंने कुछ हफ्ता 10 दिन का टाइम दिया है और ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सभी को अवेयर भी करिए और इन्फोर्स करिए, क्योंकि अवेयर करने का टाइम रहता है स्टार्ट में। अगर 6-7 साल पहले ये शुरू हुआ था लोगों ने प्लेट्स लगा दी है तो अब इस वक्त जो सटेज अवेयर है इसके लिए अब इन्फोर्समेंट की है और एक तीसरी स्टेज जब आ जाएगी जब गाड़ियों को डिटेक्ट करें। 15 मई के बाद सरकार के आदेश है कि कोई भी गाड़ी जो है हाई HSRP के बगैर होगी, चाहे वो जिस किस्म की हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसको डिटेक्ट करें और हम सबको अवेयर करते जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोग कर चुके हैं, अब अवेयरनेस की स्टेज नहीं रखी है, इसलिए गाड़ी रखी है, इसलिए मोटर व्हीकल रखा है, चाहे वो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बाइक। अभी हमारे ड्राइव में ये देखा जाता है कि जो नॉन कमर्शियल व्हीकल है वो ज़्यादा उसके साथ परेशान होते हैं। उसका कारण से कि कमर्शियल व्हीकल जो है अपने फिटनेस के लिए आते हैं, उनको बाथरूम की जरूरत होती है, उस वक्त की सारी चीज़ें होता है, फिटनेस की जरूरी होती है। लेकिन नॉन कमर्शियल में खासकर आउटस्कर्ट्स में देखा गया है लिंक रोड में अभी ये ARTO साहिबा ने वो ड्राइव किया है यहाँ विजयपुर सामगढ़ रोड में, विजयपुर रामगढ़ रोड पर, तो वहाँ मोस्टली हमने बाइक्स देखी, बाइक्स और स्कूटर जो नहीं लगा था बाकी लोगों ने लगवाया। इसका मतलब है कि यही है कि क्योंकि कभी इनकी चेकिंग कभी इनकी स्टेज आती नहीं है तो ये कहते हैं ठीक है चल रहा है, लेकिन ये है कि ये कोई नई बात नहीं बड़ी पुरानी बात है। ये सिक्योरिटी के साथ इंडिविजुअल जो मोटर व्हीकल ऑनर है या जो उसके ट्रेवलर पैसेंजर है उसकी सिक्योरिटी नहीं बल्कि लोगों की सिक्योरिटी का भी मामला है, क्योंकि अगर ये नंबर नहीं लगा हो आदमी मैनिपुलेट करके कोई भी चीज़ कुछ कर सकता है। आज एक नंबर लगाएगा, कल दूसरा लगाएगा, परसों तीसरा लगाएगा, प्लेट ही उठानी है अंदर, चेसी नंबर कुछ, इंजन नंबर कुछ, प्लेट नंबर कुछ, लेकिन जिसके ये लगा हो उसकी गारंटी है कि ये जो है एक इसकी यूनिक आइडेंटिटी है, ये प्रॉपर इसका रिकॉर्ड है ट्रांसपोर्ट बैठने के बाद, इसके पूरे पार्टनर्स हैं, जब भी कोई वो ऑफेंस करेगा या किसी किस्म के एक्शन में इन्वॉल्व होगा तो ही कैन बी ट्रैक डाउन। जिसका नंबर ही कुछ नहीं होगा, आगे प्लेट में कुछ नंबर लिखा होगा, पीछे कुछ होगा, तो बंदा ट्रैक नहीं होगा, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आज एकदम से यहाँ हमारे बॉर्डर बैल्ट के लोग हैं इतने अवेयर नहीं है, एकदम से उनको शॉकिंग हो रहा है। देखिए ऐसा शॉकिंग वाली कोई बात नहीं है, 80% प्लस लोगों ने यहाँ लगा दिए हैं, देखिए लगे हैं, जब लगे हैं ये लगे गाड़ी लगे हैं ऐसा नहीं,
बॉर्डर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बट बहुत एरियर है, सांबा कठुआ जम्मू जो है, हमारे जम्मू कश्मीर की बात भी करें तो सभी एरियर हैं, लोगों को जानकारी है, लोगों ने लगा दी 80-85%। बीच में कुछ लोग हैं जो लटर मस्ती के चक्कर में नहीं लगवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग एवियर है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग बिल्कुल एवियर हैं, लेकिन लापरवाही ठीक है, कल लगाएंगे परसों लगाएंगे, इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, इसको लाइटली नहीं ले रहे, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि ये मुद्दा जो है वो सिक्योरिटी के साथ जुड़ा है, नॉट ओनली सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर एंड द पीपल एंड द सोसाइटी एट ऑल बट टोटल सिक्योरिटी, बिकॉज कोई गलत नंबर का व्हीकल, बिगेर नंबर वाला व्हीकल, जाली नंबर का कोई गाड़ी का वाहन जो है आके कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करके कोई चीज़ कर जाएगा तो बाद में पता नहीं चलेगा कहाँ से आया था कहाँ गया था, तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए ये लार्जर इंटरेस्ट में है, गवर्नमेंट के तो है ही है लेकिन लोगों के इंटरेस्ट में भी है कि वो अपनी प्लेट्स लगवाएं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, सभी डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स के दफ्तर में ये प्लेट्स अवेलेबल हैं, साथ में जो भी वेंडर है गवर्नमेंट ने अप्रूव किया ट्रांसपोर्ट कमीशन ने, तो 2-3 किस्म के जो व्हीकल्स हैं उनकी डिफरेंट किस्म की फी और एक फॉर्म भरना है, फॉर्म डिपॉजिट करने के बाद जो है 6-7 दिन के बाद मिल जाता है, उसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है जिसमें कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा कोई रिग्रेस प्रोसेस है जिसको फॉलो करने के लिए मुश्किल पड़ती है, लेकिन जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है इसका ये प्रोसीजर क्या है सर? इसका सिंपल प्रोसीजर है, जिसके पास भी रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास गाड़ी है, जम्मू कश्मीर के अंदर की गाड़ी है, यहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, उसने एक फॉर्म भरना है, जम्मू में बियर हाउस जो पुराना बियर थे जो आदमी को पहले करता था वहाँ पर अवेलेबल है, एक फॉर्म भरना है, वेंडर भी वहाँ अवेलेबल है और हमारे जो ट्रांसपोर्ट महकमे में जो ऑफिसर थे वो भी लोगों को गाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर एक फॉर्म भरना है, सिंपल फॉर्म भर के लाइट मोटर व्हीकल की जो फी है वो 401 है, 169 इसकी बाइक की है और एक और कैटेगरी जिसकी इसी डेट 200 में है, तो ये एक रसीद जो है वो जानी है सरकारी खजाने में, वो जाने के बाद इसे जमा करनी है वहाँ पर, उसके एक हफ्ते के अंदर प्लेट उसको आनी है, गाड़ी ले जानी है, लगानी है, कुछ नहीं करना है, कोई बड़ा नहीं है, और उसके बाद भी किसी भी आदमी को, क्योंकि हर जिला हेडक्वार्टर पर इस किस्म की ये काम चल रहा है, सांबा है या बाकी जो ज़िले हैं, जिसको कोई दिक्कत है अपने ज़िले के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर के दफ्तर में जाइए, जाके पता करें, तो कोई ज़्यादा काम नहीं है, आधे घंटे में ये काम हो जाता है और एक हफ्ते का वेट करने के बाद प्लेट मिल जाती है, गाड़ी ले जानी, लगा के आ जानी है, उसके बाद कोई नहीं, बड़े लोगों ने लगाई, आप कहते हैं कि बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया का मतलब ये नहीं कि लोग एवियर हैं, यहाँ तो काफ़ी एडवांस लोग हैं, तो हमारी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि मजबूरी बन चुकी, जब लोग नहीं लगा रहे 5-6 साल हो गए, अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास लोगों को करने के लिए, तो अब हमने यहाँ पर पहले तो हमने रामगढ़ वाली साइड पे लगाया था, अभी नेशनल हाईवे है यहाँ पर लगवाया हुआ है, और कंटिन्यूसली मैं अपनी बात करूँ ट्रांसपोर्ट अफसर बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, रामबन, रियासी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सरकार के आदेश है कि जाके करिए, उसके बाद जो बच्चे का तो सरकार ने डेडलाइन रखी है, उसके बाद फिर शायद पुलिस वाले गाड़ियाँ पकड़ के ले सकती है, जिसको नंबर नहीं होगा, जिसको नंबर होगा वो समझेगा, तो रिक्वेस्ट है लोगों से 15 दिन का टाइम है, 15 मई तक जो है अपना कर लें, जो भी दिक्कत है, अदरवाइज तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना, 6 साल हो चुके हैं इस ट्राई को चले गए, 16 से शुरू हुआ, पहले शुरू हुआ था लेकिन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो अब खतरा, क्योंकि जितना देर होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स अन वो प्लेट के बगैर होंगे उतना ज़्यादा समझो खतरे हैं, क्योंकि जिस व्हीकल के साथ नंबर नहीं लगा है या हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है वो एक खतरे का बाइस है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसी सूरत में भी स्टेट की या कंट्री की सिक्योरिटी को कम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, इसमें जो भी सख्त प्रयास करने होंगे वो करने पड़ेंगे, लेकिन लोग अगर थोड़ा सा आगे आएँ तो आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी झारखंड की है, कोई बात नहीं। तो जे थे हमारे साथ RTO घनश्याम जी, जिन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कितनी ज़रूरी है,
तो आगे की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बॉम्बे एक्सप्रेस। जय हिंद।